हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही नहीं कहूँगा कि इसी तरह के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाएंगे, बल्कि मैथ्स में जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट आ जाता है आखिर में, चाहे वो DI का क्वेश्चन हो या फिर वो चाहे टाइम एंड वर्क का हो, टाइम स्पीड का हो, कहीं भी क्वेश्चन होता है आखिरी में जाकर के कैलकुलेशन में आप फंसते हैं, तो वहाँ पर भी आपको अगर ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपने लगाए तो ये बहुत काम आएंगे। जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, अगर वो आप लर्न कर लेते हैं तो वहाँ पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, तभी आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ पाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे हैं, हम केवल क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। लिखा हुआ है 55% ऑफ 600, 46% ऑफ 480, फिर क्वेश्चन मार्क के पावर में यहाँ पे 2 है, माइनस में 6/7 ऑफ 29.4। कैसे सॉल्व करेंगे हम? सबसे पहले तो ये जो परसेंटेज वाली चीज़ें हैं इनको हम इधर करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करेंगे, माइनस में है, इधर लाएंगे तो ऐड हो जाएगा, तीनों को हम ऐड करेंगे और फिर ये जो स्क्वायर है ये दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपका स्क्वायर रूट बन जाएगा, फिर वहाँ से हमको आंसर मिलेगा। तो ये एक इसका बेसिक सा तरीका है कैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आएंगे, अगर 55% ऑफ 600 निकालना है, इसको आप ओरल निकाल सकते हैं कितना होगा। देखिए ये 55% है, इसको आप ब्रेक कर लीजिए 50+5 में। अगर आप ऐसा करते हैं तो 50% 600 का कितना होगा 300 और 5% कितना होगा 30, कितना आ जाएगा ये 300 और 30 330 हो गया, बस आ गया। कुछ नहीं करना, केवल ब्रेक कर लेना है। 46% है, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 40+5+1 में, ऐसे कर सकते हैं। 40% निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 8 चौक 32 4 चौक 16 3 19, कितना आ जाएगा 192। 5% इसका कितना होगा, 5% का मतलब इसका आधा मतलब 240, 10 हटा दीजिए कितना आ जाएगा 24। 1% का मतलब कितना हो जाएगा 4.8। ओके, ये क्वेश्चन मार्क तो है, इसको मैं एक्स कर देता हूँ, इसका स्क्वायर माइनस में 6/7 और ये है, इसको कैंसिल आउट करिए, 7 चौक 28 हो जाएगा, एक बचेगा, 7 × 2 = 14, 4.2 आ गया। मल्टीप्लाई में करूँ तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 × 2 = 12, मतलब कितना हो जाएगा 25 × 2 = 2 हो गया। ओके, ये माइनस में है, इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको पूरा एक साथ ऐड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कितना हो जाएगा, 92 में आप ऐड करिए कितना, 20 ऐड करेंगे 212, और 212 में 4 ऐड करेंगे 216, 216 में आप 4.8 ऐड करिए कितना हो जाएगा 220.8। तो आपको ऐड क्या करना है, 330, उसके बाद 220.8 और 25.2, इनको ऐड करना है। ये 8 × 2 = 10, ये 6 हो गया, 4 × 3 = 7 हो गया, 3 × 2 = 5 हो गया, कितना आ गया 576। ये वैल्यू किसकी है, x² = 576, ये आया है। इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 576। 576 किसका होता है स्क्वायर, तो ये देखिए 25 यहाँ पे 25 625 हो जाएगा, ये किसका होगा 24 का स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो तरीका आपने सीखा वो क्या है कि आप जो परसेंटेज है उससे घबराना नहीं है आपको, आपको बस उसको ब्रेक करना आना चाहिए। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कि 46 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 480 से डायरेक्ट निकाल लीजिए, वो भी आपका तरीका हो सकता है, लेकिन उसमें गलतियां हो सकती हैं और उसमें समय लंबा लग सकता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए तरीका थोड़ा सा आसान हो जाता है। आप चाहें तो 46% है, इसको 45+1% ऐसे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 45% निकालना बड़ा आसान होता है कि आप 50% इसका देखें कितना है, तो ये 240 हो जाएगा, उसमें से 5% घटा दीजिए, मतलब 24 आप घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे एक होगा, ये 216 हो गया, ये आ गया 45%। इसमें 1% आपको ऐड करना है, 1% का मतलब 4.8, 216 में 4.8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 220.8। ओके, दूसरे तरीके से भी आ सकता है, मतलब कहने का ये मतलब है कि आप बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, कहीं भी बहुत बड़ा कैलकुलेशन आपको नहीं करना होगा। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि लिखा है 560 × (ब्रैकेट में 1/8/5, फिर ब्रैकेट 1 प्लस 23 × 15, फिर क्वेश्चन मार्क × 26 + 175। मतलब हमको सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है जो ब्रैकेट्स में है,
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आपको पता है ना बॉड मास रूल, उसके तहत आगे बढ़ना होगा। तो अगर एक का डिवाइड हो रहा है किसी भी नंबर में, तो आपको बस उसको रेसिप्रोकेट कर देना है। 1/8/5 का मतलब क्या है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 5/8 ऐसे ही करेंगे, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/8 ही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरे का जो यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या होगा, आपको बस रेसिप्रोकेट करना, मतलब 560 गुणे में 5/8 ये करना है, प्लस में 23 × 15। ये लंबा नहीं है, बड़ा आसान है। आपको 23 × 10 करना है। इसको अगर मैं डिवाइड कर लूँ 10+5 में, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 230 आएगा, प्लस में 23 × 5 करूँगा तो कितना होता है, 115 होता है। ये आपका 115 आ गया। दोनों को आप ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 345। ओके, 2230 है, 100 ऐड करेंगे तो 330, 15 ऐड करेंगे तो 345। ओके, इज इक्वल टू एक्स इंटू में 26+175। ओके, आप चाहें तो इसको इधर ला सकते हैं और ये 175 माइनस हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 8×7 56 हो जाएगा, पूरा का पूरा कट गया, 7×5 35, तो कितना हो गया, देखिए ये हो गया 350, ये हो गया 345। ओके, इन दोनों को अगर आप ऐड करिए, 3×3 6 और 50 और 45, 695 आ गया। 695 में से 175 वाला ये जो है ये माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 0, ये 2 हो गया और ये 5, 520 हो गया। तो मतलब यहाँ पे बचा क्या, 520 आपके सामने यहाँ पे नंबर है, और इज इक्वल टू एक्स इंटू में 26, ये इधर आएगा तो डिवाइड होगा, आप इसको ऐसे ही काट सकते हैं, 26 और 26 2 52, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20, ये इसका सही आंसर हो गया। ओके, मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आपको बॉड मास रूल जो है उसको थोड़ा ध्यान से लगाना होगा, कहीं भी आपने गलती करी तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। आपको यहाँ पे देखना है कि एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, फिर ये अपने आप में सेपरेट पार्ट है, प्लस प्लस ये सारे ऐड हुए हैं, इन सबको आपको एक साथ यहाँ पे सॉल्व करना है। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इन दोनों को यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है इसको करेंगे। तो 30 को 165 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितनी बार में कट जाएगा, आप चाहें तो इसको 15 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा समय लेगा। 30 गुणे में 5 अगर करता हूँ मैं तो 150 मिलता है, बचेगा कितना, 15। पॉइंट लगाऊंगा तो फिर से 15 के आगे 0 बढ़ेगा, 150 होगा, फिर से 5 बार में पूरा कट जाएगा, कितना गया, 5.5 × 125। मैं इसको लिख लेता हूँ, और चाहूँ तो मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करके एक साथ भी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इतना ही लिखता हूँ। प्लस में यहाँ पे देखिए, इन दोनों को हम डिवाइड करें, 0 से 0 कट गया, और अगर मैं इसको देखूँ तो आप 14 से इसको डायरेक्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, 14 × 14 हो गया, और कितना बचेगा यहाँ पे, 7 बचेगा, पॉइंट लगाइए, 70 हो जाएगा, 14×5 70, पूरा का पूरा कट गया। ओके, 7 से भी कर सकते थे, 7×2 14 7×3 21, फिर 2 को 3 से काट करके 1.5, तो ये कितना गया, 17 × 1.5, प्लस में 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 का मतलब 4×16, 16×64, 64 × 4 256, कितना हो जाएगा, 256 और गुणे में 5। आपको बस अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। 25 × 5.25, ये बहुत ही आसान है, 125 × 5.25 करना है, सॉरी, तो 125 × 5 कितना होता है, 625 0.5 है। मतलब क्या है कि वही आपको करना है, बस आपको पॉइंट एक अंक के बाद लगाना है ये, मतलब इन दोनों को आपको गुणा करने का मतलब, ये दोनों नंबर आप ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 687.5, प्लस में 17 × 1.5, ये तो आसान ही है, 17×5 85, 17×17 और यहाँ पे 8 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 25, तो कितना गया, 25.5, प्लस में 256 × 5, आप इसको अब 5 से गुणा करना है तो आप इसको 2 से डिवाइड करके आसानी से लिख सकते हैं, 2×1 2 2×2 4 2×8 16, कितना गया, 1280, आसान है। आपको क्या करना है, तीनों को ऐड कर लेना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 25.5 हो गया और ये क्या हो गया, 1280, ऐड करिए, 5×5 10 7×5 12 12×1 13 8×2 10 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19, और ये 6×2 8 8×1 9 और ये 1, तो कितना गया, 1993, 1993, ये इसका सही आंसर है। ओके, अगला ये है, लिखा हुआ है 265% of 450, प्लस में 3/8 of 680, माइनस में 125% of 80, माइनस में 143.45। तो क्वेश्चन में जो परसेंटेज है ये 100 से ऊपर वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चंस कुछ होते हैं।
तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है? आपको ये तो पता होगा ना कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं 120% ऑफ यहां पे 65, तो इसको आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे आप 65% ऑफ 120 लिखिए, दोनों का आंसर जो होता है वो सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो इसको आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ना चाहें तो इसको आप सीधे भी लगा सकते हैं। जैसे 265% है तो इसको अगर मैं 250 प्लस 15% इसमें अगर ब्रेक कर लूँ तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। 250% निकालना है किसका, 450 का, तो बस इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूँ, कितनी बार ये जाएगा तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 होगा यहाँ पे 1 होगा, 4 दूनी 8 और फिर 4 पंचे 20, तो 250% 450 का कितना गया 1125। प्लस में 15% अगर निकालना है तो 15% को आप चाहें 10 प्लस 5% कर लीजिए, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 15 पचे 75 और 15 चौके 60 और ये कितना हो गया 67.25, ये आ गया इसका 15%, आसानी से आप निकाल सकते हैं। ओके, 3/8 680 का, 8 से अगर मैं करूँ तो 8 यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 8 8 64, 4 बचेगा 8 5 40, कितना गया 85, और गुणे में कितना हो गया 3, 3 का गुणा करना है, 8 3 24 और 5 3 15, कितना हो जाएगा 240 और 15, तो ये हो जाएगा 255। माइनस में 125% है 80 का, देखिए 80 का 100% कितना होगा तो 80 ही होगा, 25% और उसका आप निकाल लीजिए तो 80 का 25% कितना होगा 20 होगा, तो अगर ऐड करेंगे 80 में 20 तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, माइनस में 143.245 आ गया। मतलब इसको अगर आप देखिए तो इसका मतलब हो गया 243.245। अब आपको क्या करना है कि ये जो तीन वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करिए, उसमें से 243.5 घटा लीजिए, ऐसा कर सकते हैं, या तो यहाँ पे आपको पता ही है कितना है 255 है, इसको आप चाहें तो 243.45 में से ऐसे घटा सकते हैं। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है अप्रोच, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से जाएगा तो ये भी 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 11.55, ये इसका आ गया इन दोनों को मिला करके। अब बचता क्या है, 1125, 67.5 और 11.55, बस आपको ऐड करना है, ये 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 7 1 8 5 13, 13 1 14 हो गया, यहाँ पे 6 2 8 1 9 1 10 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, और ये पॉइंट लगा दीजिए कितना हो गया 1204.05, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पे अंडर रूट वाली बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको इसी तरह से आपको आंसर करना है, यहाँ पे आपको रूल बस आपको समझ के रखना है, कुछ ब्रैकेट में है कुछ डिवाइडेड है, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप सॉल्व करेंगे इस डिवाइड को, ये है 484। ओके, और ये अंडर रूट में 3025 है। अगर आपको अंडर रूट नहीं पता है, मैं तो कहता हूँ कि कम से कम 100 तक के आप स्क्वायर रूट याद करके रखिए, बहुत आसानी होती है एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे ये 3025 है, मुझे पता है ये 55 का स्क्वायर रूट होता है, तो मैं आसानी से 55 यहाँ पे नीचे लिख दूंगा, निकालना भी आसान है, लेकिन याद जो रहता है उसके कंपेयर में निकालने में तो आपको पता है टाइम डिफरेंस 2-3 सेकेंड का तो लगता ही है, और गुणे में क्या है 110 है। इसको सॉल्व करूं, 55 से मैं 110 को काटूं, दो बार में कट जाएगा, और 484 गुणे में 2 करूं, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8 1 9, 968 हो गया। अब यहां पे क्या है 4356 गुणे में 5, अब 4356 किसका स्क्वायर होता है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि 66 का स्क्वायर होता है, नहीं पता है तो आपको निकालना आता है। अगर आपको नहीं निकालना आता है तो यहां पे मैं दे देता हूं स्पीड मैथ वाली वीडियो का लिंक, आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। प्लस में क्या हो जाएगा 66 गुणे में 5। ओके, अब 66 गुणे में 5 अगर देखें, 6 5 36 6 5 36 कितना हो जाता है 330, 330 को डिवाइड कर लीजिए किससे 15 से। ओके, 15 से डिवाइड करिए, 15 दूनी 30 15 दूनी 30 कितना आ जाता है 22, तो 968 में 22 ऐड करना है, और यहाँ पे 144 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट में ये कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 12 गुणे में यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मार्क है, मतलब इन दोनों को मैं ऐड करूँ, 2 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 70 और ये 990 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 12। अब इसको बस कैंसिल आउट करना है, कितना होगा 12 8 96 हो जाएगा, ये 3 बचेगा, 12 2 24 हो जाएगा, फिर 12 5 60 कितना गया 82.5 इसका करेक्ट आंसर है।
अगला सवाल है, इस तरह के जो मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आते हैं ये आपके एग्ज़ाम में, ये भी देखिए कैसे सॉल्व होंगे। एक तो क्वेश्चन होता है जिसमें मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड नहीं होता है, तो उसको सॉल्व करते हैं हम, जो यहाँ पे वैल्यूज़ रहती हैं उनको एक साथ लेते हैं, जो फ्रैक्शन की वैल्यूज़ रहती हैं उनको एक साथ लेते हैं और ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जब डिवाइड और मल्टीप्लाई वाली चीज़ें होती हैं तो हम इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तभी ये आसानी से सॉल्व हो पाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको हम कन्वर्ट करें, 7 चौक 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, तो ये कितना हो गया 34/7। प्लस में ब्रैकेट को आप सॉल्व करिए, ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका क्या है, वही पहले हम इसको कन्वर्ट करें, 6 3 18 18 और 7 कितना हो जाएगा 25/6। मल्टीप्लाइड बाय, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए हटाएंगे तो आपको पता है रेसिप्रोकेट होगा, तो कितना होगा 12 5 60 और 15 कितना हो जाएगा 75/12, तो इसको हम उल्टा लिखेंगे 12/75। और फिर ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ पे देखिए 5 × 10 = 4 = 14, 14/5 और गुणे में 6 × 24 और 25/6। बस सॉल्व करना है, यहाँ पे 6 × 2 = 12 हो जाएगा, 25 × 3 = 75 हो जाएगा। ओके, तो कितना गया 2/3, यहाँ पे सॉल्व करिए ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6 हो गया, 7 × 5 कितना हो गया 35 हो गया यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 34/7 प्लस में 2/3 प्लस में 5/3। ओके, अब आपको पता है कि यहाँ पे अब इन वैल्यूज़ को अगर सॉल्व करना है, आप चाहें तो एक साथ इसका ले सकते हैं एलसीएम, 7 × 3 = 21 और 34 × 3 अगर करेंगे, 3 × 4 = 3, 3 × 9 कितना हो जाएगा 102 प्लस में 3 × 7 = 21, तो ये कितना हो जाएगा 14 प्लस में 3 × 7 = 21 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये सॉरी 35 है, 5/3 नहीं 35/3 है, ये 7 × 5 होगा 35/3 होगा, तो 35 × 7, 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 245। ऐड कर लीजिए सारी वैल्यूज़ को, 245 और 102 कितना हो जाएगा 247, 47 में आप 14 ऐड करेंगे तो 4 ऐड करेंगे 51 और 361 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 361/21। ओके, ये इसका आंसर हो गया। अगर ये सिंप्लीफाई और हो सकता है तो इसको कर लीजिए, अगर आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है डेसिमल में तो आपको फर्दर इसको डिवाइड करना होगा, वो आपको पता है, इससे आगे तो आप कर सकते हैं आसानी से, नहीं तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, अब यहाँ पे देखिए सवाल में ऐड का किया गया है कि आपको परसेंटेज ऑफ समथिंग ऐसे लिखा रहता है, जैसे 65% ऑफ, 35% ऑफ 1250। फिर यहाँ पे देखिए आपको कई सारे लेवल्स हैं, जैसे अंडर रूट में 1296 है, फिर उसके बाद उसका भी अंडर रूट है, फिर उसके बाद उसका क्यूब है, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में है 375/3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, मतलब ये जो आएगा एक वैल्यू होगा मल्टीप्लाइड बाय समथिंग है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। तो सॉल्व कैसे करना है इसको, तो इसको सॉल्व करने का तरीका एक तो ऐसे हो सकता है कि ये जो जैसे 1250 लिखा हुआ है आप इसको एज इट इज़ लिखिए, जैसे 65% है मतलब 65/100, 35% है मतलब 35/100 और गुणे में 1250। ओके, प्लस में 1296 है अंडर रूट में, 1296 किसका अंडर रूट होता है तो आपको पता होना चाहिए, ये होता है कि कितने का, देखिए 35 अगर करते हैं तो 1225 मिलता है, तो 36 का ये आपका होता है, तो 36 ये आया और इसके बाद फिर इसका ये अंडर रूट है, ये यहाँ पे जो पावर में 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, 36 किसका अंडर रूट होता है तो वो होता है 6 का, फिर यहाँ पे आखिरी में ब्रैकेट क्या बचता है जो कि क्यूब करता है, मतलब 6 का क्यूब क्या होगा, तो 6 का क्यूब होता है 216, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा 216, मतलब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आया 216। बराबर में हम करेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15 कितना आ जाएगा 125। ओके, 125 गुणे में एक्स, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, उसको 125 से डिवाइड करिए। ओके, अब सॉल्व कैसे करना है, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से 5 से काट सकते हैं, 5 × 2 = 10 और ये 25 हो गया, 5 से काट सकते हैं आप इसको, कितनी बार जाएगा 5 × 10 = 10 20 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट काट सकते हैं 5 × 10 और ये सब करने की क्या ज़रूरत है, 25 आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है 25 × 100 डायरेक्ट कर लीजिए। अब बचता क्या है, 65 × 35 और डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ पे 65 × 35 करने में आपको टाइम लग सकता है मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन अगर आप ये तरीका फॉलो करते हैं मैंने बताया हुआ है पहले भी, तो आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का गैप कितना है देखिए, तो ये गैप ही आता है 30 का, मतलब इवन गैप है,
इवेंट गैप होने का मतलब है कि आप यहाँ पे ये तरीका लगा सकते हैं, ये 30 हो गया, 30 का आप आधा कर लीजिए कितना आता है 15, मतलब तो 65 में अगर हम 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 50, और 35 में हम 15 जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा 50, मतलब एक नंबर आ जाता है 50, और हम क्या घटा रहे हैं जोड़ रहे हैं 15, ये माइनस 15, ऐसे लिखिए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। अब आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं आप चाहें तो कि 50 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 2500, यहाँ पे 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, घटा लीजिए ये 5 आ गया, यहाँ पे आप घटाएंगे 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा, यहाँ पे आप घटाएंगे 4 में से 2 जाएगा 2, कितना गया 2275। तो आपको जो गुणा करना है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2275, 2275 डिवाइडेड बाई 8, ओके डिवाइडेड बाई 8। अब आप चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, आसानी से डिवाइड हो जाएगा, 8 दुनी 16 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे जाएगा 8 28 64 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 3 बचेगा, फिर 2 यहाँ पे 35 होगा तो 8 चौक 32 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 3 बचेगा तो 8 तियाँ 24 हो जाएगा, 8 तियाँ 24 होने के बाद फिर यहाँ पे कितना बचेगा 60 बचेगा, 60 8 7 56 8 5 40, मतलब इसका जो आंसर हो गया कितना हो गया 284.375, ओके प्लस में क्या करना है 216, ओके अब इसको ऐड कर लीजिए कितना हो गया 375, और ये कितना हो जाएगा 224, और 84 और 16 कितना हो जाएगा 100, मतलब कितना गया 500, 500.375। इसको डिवाइड करना है किससे 125 से। यहाँ पे बहुत सारी लोग गलतियाँ कर सकते हैं, आपको वही गलती नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे देखिए 125 से डिवाइड करिए, इसको डायरेक्ट काट देगा 125 चार बार में, 500 होता है, ओके फिर पॉइंट ये जो लगा है 375, 125 गुणे में 3 अगर करेंगे तो 375 हो जाता है, लेकिन अगर आपने गलती से भी 4.3 कर दिया और इसका अगर ऑप्शन दिया रहा वो सही कर दिया तो ये गलती होगी, ओके यही इस चीज़ें आपको समझनी है। ये 375 आप डायरेक्ट काट रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे मान लीजिए 4.3 होगा, आप अगर आप 125 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या यही आंसर आएगा, नहीं आएगा। अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे, 125 गुणे 3 करेंगे 375, 5 आएगा 37 बचेगा, 125 गुणे 4 कितना हो जाएगा 500, 37 जोड़ेंगे 537 आ जाएगा, ओके ना कि 500.375। तो ये 3-7 आने के लिए क्या होना चाहिए, 2 जीरो आपको यहाँ पे बढ़ाना होगा, फिर आप 3 से काटेंगे, ओके तो इसका सही आंसर क्या होगा 4.003। इस क्वेश्चन में यही एक कह सकते हैं सबसे खतरनाक आपके लिए हो सकता था, सब कुछ करने के बाद आखिरी में जाकर के गलतियां करना, जो कि बेसिक हैं ये सारी चीज़ें, ओके जो कि हड़बड़ी में हो भी जाती हैं कई बार, तो इससे आपको बचना होगा। अगला सवाल ये है, ये भी आप देखिए तो ब्रैकेट जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे ही है, 4096 यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट में है, ये आपको पहले सॉल्व करना है, ये किसका अंडर रूट होता है, तो ये 64 का होता है, फिर 64 की पावर 1/2 है, मतलब ये अंडर रूट में है, ये किसका अंडर रूट होता है 8 का होता है, फिर 8 की पावर 3 आपको करना है, 8 की पावर 3 कितना होता है 8 28 64, 64 8 कितना होता है 512, तो इस पूरे का जो आंसर है वो कितना आ गया 512, ओके और गुणे में क्या करना है 4, चाहे तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 5 चौके 20 और 12 चौक 48 कितना हो गया 2048, ओके माइनस में 1325 गुणे में 2, माइनस में 1325 गुणे 2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2650, ओके 1300 गुणे में 2 2600 होगा, 25 गुणे में 2 50 होगा, मतलब 2650 प्लस में 1205, आपको बस ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों को ही ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 2000 और इसमें आप 1200 ऐड करिए 3200, 48 और 5 में ऐड करिए तो 8513 कितना हो जाएगा 3253, इसमें से आपको क्या घटाना है 2650 घटाना है, ये 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा और यहाँ पे अब 0 बचा, कितना गया 603, यही इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल हम देखते हैं, लिखा हुआ है आपके सामने 1296 गुणे में 216 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 36 की पावर 3 इज इक्वल टू 6 की पावर क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 216 डिवाइडेड बाय 7776। अब आपको बताना है 6 की पावर में यहाँ पे क्या आएगा उसका आंसर। तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन बताए आपको, अब समझ में आया होगा, ये जो पावर वाली सवाल आते हैं होते हैं आसान हैं, बस आपको बहुत सारी जगहों पे थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है, कहाँ पे पावर प्लस माइनस हो रहा है, कहाँ पे डिवाइड, कहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कहाँ पे डिवाइड करना है, मतलब पावर अगर आपकी मल्टीप्लाई हो रही है तो ऐड करना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, वो अगर आपको ध्यान में है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इसको मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइएगा,
अगर आप इसको कर लेते हैं कितना समय लगता है ये भी देखिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जितने लोग भी इसका सही आंसर देंगे मैं उनका जो नाम है उनके आंसर के साथ अगले वीडियो में फीचर करूँगा। तो अगर आप इसका सही आंसर देते हैं तो आप उसको कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।